जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 का आगाज। ऑनलाइन मोड पर फेस्टिवल के 15वें संस्करण का आगाज हुआ। 5 से 14 मार्च तक हाइब्रिड अवतार में लिट फेस्ट का आयोजन। आज पहले दिन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। राहुल मुंजाल, लिली सिंह और अमिताभ कांत इस सेशन में होंगे। तो 10 से 14 मार्च को होटल क्लार्क्स आमेर में ऑन ग्राउंड प्रोग्राम की शुरुआत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 20 देशों के 400 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। राजस्थानी समेत 15 भारतीय भाषाओं, 20 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रस्तुति। अब्दुल रजाक गुरनाह के संग संवाद करेंगे ब्रिटिश पब्लिशिंग लीजेंड अलेक्सेंडर प्रिंगल। 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं अब्दुल रजाक गुरनाह। तो आपको बता दें, लिट फेस्ट का यानी कि लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया है और 15वें संस्करण का ये आगाज हुआ है। 5 से 14 मार्च तक हाइब्रिड अवतार में लिट फेस्ट का ये आयोजन। आज पहले दिन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। राहुल मुंजाल, लिली सिंह और अमिताभ कांत सेशन में होंगे। तो 10 से 14 मार्च को होटल क्लार्क्स आमेर में ऑन ग्राउंड प्रोग्राम की शुरुआत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 20 देशों के 400 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। राजस्थानी समेत 15 भारतीय भाषाओं, 20 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रस्तुति होगी। अब्दुल रजाक गुरनाह के संग संवाद करेंगे ब्रिटिश पब्लिशिंग लीजेंड अलेक्सेंडर प्रिंगल और 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अब्दुल रजाक गुरनाह। प्रदेश में कोयला संकट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत ने ली कोयला एवं विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक। कहा, बिजली के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। विद्युत गृहों में कोयले का नियमानुसार भंडारण किया जाए। प्रदेश में कहीं भी विद्युत उत्पादन में बाधा नहीं आए। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर नियमित समन्वय करें और कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड के लिमिटेड से लगातार संपर्क बनाए रखें। आगामी 6 माह में प्रदेश की विद्युत मांग एवं उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, सीएस उषा शर्मा, एसीएस ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत समेत अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत आज दोपहर 1 बजे पीडब्ल्यूडी की रिव्यू मीटिंग लेंगे। तो दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की तीसरी मीटिंग लेंगे। तो आज आपको बता दें, 2 कार्यक्रम हैं, 2 बैठकें हैं, 2 मीटिंग हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। एक दोपहर 1 बजे होगी और दोपहर 3 बजे दूसरी मीटिंग होगी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट के बाद ये मीटिंग हो रही है, तो बहुत सारी रिव्यू जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे। तो प्रदेश में कोयला संकट को लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ली कोयला एवं विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक। कहा, बिजली के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। विद्युत गृहों में कोयले का नियमानुसार भंडारण किया जाए। प्रदेश में कहीं भी विद्युत उत्पादन में बाधा नहीं आए। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर नियमित समन्वय करें, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना के रखें केंद्र सरकार के जो भी संबंधित मंत्रालय हैं उनके स्तर पर। कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड से लगातार संपर्क बनाए रखें क्योंकि ये वो मंत्रालय जिनसे कॉन्टैक्ट बना के रखने के बाद जो कोयला जो है उसको लेकर बातचीत होती रहेगी। कोल को लेकर क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि विद्युत की कमी यानी कि बिजली की कमी राजस्थान में कहीं नहीं होनी चाहिए। आगामी 6 माह में प्रदेश की विद्युत मांग एवं उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, सीएस उषा शर्मा, एसीएस ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत समेत अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत आज दोपहर 1 बजे पीडब्ल्यूडी की मीटिंग लेंगे, ये रिव्यू मीटिंग होगी। तो वहीं दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की तीसरी मीटिंग लेंगे। यूक्रेन से भारतीयों का आने का सिलसिला जारी है। राजस्थान सरकार कर रही है हर मोर्चे पर 24 घंटे काम। मुख्यमंत्री गहलोत निभा रहे हैं अभिभावक की भूमिका, पल पल की अपडेट ले रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव बने हैं गहलोत के सारथी और दिल्ली में डेरा डाले तीनों मंत्रियों ने भी दिन रात एक कर रखे हैं। तीनों मंत्रियों ने आपस में बांट लिए हैं अपने काम।
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ममता भूपेश दिन में रिसीव कर रही हैं छात्रों को, तो वहीं टीकाराम जूली और डॉक्टर सुभाष गर्ग भी देर रात तक डटे हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। धीरज श्रीवास्तव ने संभाल रखा है हिंडन एयरपोर्ट पर मोर्चा, तो भारतीय वायुसेना के 4 विमान जुटे हैं यूक्रेन से भारतीयों को लाने में। वायुसेना के विमान लैंड करते हैं हिंडन एयरपोर्ट पर और हिंडन एयरपोर्ट के बाहर राजस्थान सरकार की तैनात है वॉल्वो बस और 4 टैक्सी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी वॉल्वो बस और 4 टैक्सी उपलब्ध हैं। दोनों एयरपोर्ट पर मेडिकल भी तैनात हैं, यानी कि मेडिकल की जो टीम है वो भी वहां पर तैनात है। चारों प्रहर यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों को दी जा रही है मेडिकल की सहायता। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी को हवाई जहाज से ही राजस्थान लाने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई कार टैक्सी से अपने घर आना चाहे तो उसे ये सुविधा भी कराई जा रही है उपलब्ध। तो सारी सुविधाएं जो है राजस्थान सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है दिल्ली से जो भी छात्र राजस्थान पहुंचे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 का आगाज हो गया है। ऑनलाइन मोड पर फेस्टिवल के 15वें संस्करण का आगाज हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 से 14 मार्च तक हाइब्रिड अवतार में लिट फेस्ट का ये आयोजन, क्योंकि जनवरी में हर साल ये आयोजन होता है लेकिन इस बार कोरोना के चलते थोड़ा सा ये संस्करण जो है 15वां संस्करण लिट फेस्टिवल का वो डिले हो गया, लेकिन अब इसका आगाज हो गया है। और क्योंकि ना सिर्फ देश से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, इस लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेते हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा कैंप कार्यालय में आम जन से मिले ओम बिरला। जन सुनवाई के दौरान दिखाई दी स्पीकर बिरला की संवेदनशीलता। बूंदी में उपचार में सहायता की आस लिए आई बालिका रूबीना, और रूबीना को है बचपन से देखने में परेशानी। स्पीकर बिरला ने पिता मोहम्मद अजीज को दिया आश्वासन, रूबीना की आंखों का उपचार करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। स्पीकर बिरला ने बालिका रूबीना को आई हॉस्पिटल भिजवाया, डॉक्टर को दिए बालिका की आंख की जांच के निर्देश। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अब रूबीना का इलाज होगा।
तो ओम बिरला जिनकी संवेदनशीलता सामने आई, क्योंकि लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, कैंप कार्यालय जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो जनसुनवाई के दौरान स्पीकर बिरला की संवेदनशीलता भी नजर आई। बूंदी में उपचार में सहायता की आस लिए एक बालिका रुबीना आई और रुबीना को बचपन से देखने में परेशानी है, तो स्पीकर बिरला ने पिता मोहम्मद अजीज को आश्वासन दिया। रुबीना की आंखों का उपचार करवाने का ओम बिरला ने आश्वासन दिया। स्पीकर बिरला ने बालिका रुबीना को आई हॉस्पिटल भिजवाया और डॉक्टर को दिए बालिका की आंखों की जांच के निर्देश। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अब रुबीना का आगे इलाज होगा। हाईकोर्ट सीजे अकील कुरैशी कल हो रहे हैं सेवानिवृत्त। कल रविवार अवकाश के चलते सीजे कुरैशी का आज लास्ट वर्किंग डे। आज दोपहर 3:45 पर हाईकोर्ट प्रधान पीठ जोधपुर में फेयरवेल रेफरेंस हाईकोर्ट जोधपुर के कोर्ट नंबर 1 में आयोजित होगा रेफरेंस कार्यक्रम। मुख्य पीठ के सभी न्यायाधिपति, न्यायिक अधिकारी, बार एसोसिएशन सदस्य मौजूद रहेंगे। जयपुर पीठ के न्यायाधीश वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे कार्यक्रम से और सीजे अकील कुरैशी का फेयरवेल रेफरेंस पढ़ेंगे। गिरिराज प्रसाद शर्मा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर महासचिव गिरिराज प्रसाद शर्मा जोधपुर पहुंचे हैं, तो आज फेयरवेल दिया जाएगा अकील कुरैशी को, क्योंकि कल रविवार है और संडे के अवकाश के चलते सीजे कुरैशी का आज ही लास्ट वर्किंग डे है। आज दोपहर 3:45 पर हाईकोर्ट प्रधान पीठ जोधपुर में फेयरवेल रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे। राजस्थान हाईकोर्ट सीजे अकील कुरैशी कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कल रविवार अवकाश के चलते आज सीजे कुरैशी का लास्ट वर्किंग डे है और सीजे कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद एक्टिंग सीजे होंगे जस्टिस श्रीवास्तव। 7 मार्च से होंगे जस्टिस एमएम श्रीवास्तव हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव हैं मूलतः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बिलासपुर निवासी। जस्टिस श्रीवास्तव ने केआर लॉ कॉलेज बिलासपुर से एलएलबी की और एलएलबी पूर्ण करने के बाद राजगढ़ में वकालत की। 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का उन्हें जज नियुक्त किया गया और 17 अक्टूबर 2021 तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्यरत रहे। 18 अक्टूबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। तो आपको बता दें, पहले वो वकील रहे, वकालत की और उसके बाद उनको जज नियुक्त किया। श्रीवास्तव ने केआर लॉ कॉलेज बिलासपुर से एलएलबी की है। आपको बता दें, क्योंकि अकील कुरैशी जो वो रिटायर हो रहे हैं और अकील कुरैशी कल सेवानिवृत्त होंगे, तो ऐसे में अब एक्टिंग सीजे बनाया जा रहा है जस्टिस एमएम श्रीवास्तव, जो राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे होंगे। तो राजस्थान हाईकोर्ट सीजे अकील कुरैशी कल सेवानिवृत्त होंगे और फेयरवेल आज उनको दिया जाएगा।